अगर बातों से बने बात तो फिर बात ही क्या। कुछ लोग अपने बोलों द्वारा नहीं बल्कि अपने कर्म द्वारा जाने जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण आज हमारे साथ है मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट से जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द फॉरनर्स की सीट जीती है। मेरे को बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे साथ हैं। इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये जो शख्सियत हैं इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आज से पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सबसे पहले डिप्टी चेयरमैन ऑफ द फॉरनर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट ये चुने गए। इनके पीछे इनकी परिवार का और सबसे बड़ा हाथ जो है वो एक परमात्मा का है। इनके ऊपर पूरी कृपा है कि इन्होंने बिजनेस में ही नहीं बल्कि यहाँ की पॉलिटिक्स में भी अपना पैर जमा लिया है। मेरा नाम अश्विनी कुमार तिवारी, सिटी जीरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, पंजाब तो रहने वाला हाँ। मैं जर्मन दे विच बड़े टाइम तो रह रहा हाँ। मैनु आज बड़ा प्राउड फील होता है कि मैनु आज जर्मन दे विच डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट मिली। तो इस दे विच एक बड़ा वड्डा इतिहासिक दिन है कि एक जर्मन दे विच एक पहला ओरिजिनल इंडियन जिन्हों एक डिप्टी चेयरमैन चुनिया गया। इस दे पिछे साडे एशियन और पंजाबी भैन भरावों का बहुत बड़ा वड्डा हाथ है कि जिन्होंने सानू इतों तक पहुँचाया, और सानू बड़ी खुशी होती है। तो इस दे विच इस तो इलावा जिन्होंने सानू इतों तक पहुँचाया उन्हों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। और उन्हां दियां जिन्नियां भी मुश्किलां होणगियां, जो उन्हां दे प्रॉब्लम्स होणगे, मैं कोशिश करांगा कि उन्हां नूं हर चीज़ की सहायता मिले। इसके अलावा मारी फैमिली के अलावा मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं इस स्टेज पर पहुँचा हूँ तो मिस्टर राहुल जी की वजह से। मैं बताता हूँ मिस्टर राहुल जी कौन है। मिस्टर राहुल जी जो कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में बहुत समय से रह रहे हैं, और इनका कैरियर पॉलिटिकल कैरियर बहुत लंबा कैरियर है, और इनको इन्होंने से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इनकी वजह से मैं इधर तक पहुँचाऊँ। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हम भी इधर तक पहुँच जाएंगे। साढ़े सारे पंजाबियों वास्ते बड़े मान की गल है कि मेरे फादर इन लॉ ने फ्रैंकफर्ट डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट हासिल की है, और आने वाले कल विच सारे भारत वासियों की मदद कर सकन। और ज़्यादा ना कहते हो कि जेडे भी मेरे साथी और भाई इस वक्त जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन्हों का सुनने का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। थैंक यू।